हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले हम, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। और ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। गॉट इट? तो बेसिकली जो आपका ड्रीम्स और रियलिटी के बीच में जो डिस्टेंस है, उसी को ही कहा जाता है एक्शन। मतलब हम लोग सपने तो देखते हैं, बहुत बड़े बड़े कुछ लोगों के सपने होते हैं कि देश की सेवा के लिए हमें IAS बनना है, कोई सोचता है कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, कुछ सोचता है मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, या फिर किसी का सपना होता है बैंक में क्लर्क या PO की पोस्ट पाना, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, है ना। चाहे कोई भी हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे सेंटर की हो, बस गवर्नमेंट जॉब हो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनमें से बच जाते हैं तो वो बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन हम एक चीज़ तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि लाइफ में जो भी कोई पर्सन आया है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है ना। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि जो लोग सोचते हैं और जो लोग SSC में SSC की जॉब क्रैक करना चाहते हैं और SSC में अपने पेपर को फटाफट से क्लियर करके एक बहुत ही बढ़िया वाली जॉब ग्रैब करना चाहते हैं, वो जॉब कैसे आप ग्रैब कर सकते हो, और पूरा आपका एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आपको स्ट्रेटजी से पहले मैं आपको सिलेबस से गो थ्रू करवाता हूँ, फिर मैं आपको आज बताऊँगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, फिर हम बात करेंगे कि आप कैसे एक स्मार्टली वे में SSC के पेपर को क्रैक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका अर्थमेटिकल एबिलिटी। अर्थमेटिकल एबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SSC में, क्योंकि देखो फर्स्ट टायर में तो आप लोग बच सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास चार सब्जेक्ट होते हैं, अर्थमेटिक, उसके बाद रीजनिंग, फिर आपके पास जनरल अवेयरनेस, और फिर लास्ट में बजाता है इंग्लिश। अगर आपका यहाँ पर अगर मैथ कमज़ोर भी है, तब भी आप बाकी अदर सब्जेक्ट्स में नंबर लेकर प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि आप इसमें से एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करें और आप सोचें कि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और हाँ, ये कंडीशन भी नहीं है जैसे बैंक एग्जाम्स में कि कट ऑफ रखी जाती है हर सब्जेक्ट में, SSC में हर सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं होती। चलिए, तो बेसिकली आपके पास ये चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। एक SSC का पेपर ऐसा है जिसमें आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टायर वन के बाद जो टायर टू होता है उसमें मैथ और इंग्लिश के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैथ तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका अच्छा होना ही चाहिए। अब मैथ में बेसिकली जो क्वेश्चंस आप फर्स्टली अटेम्प्ट, मतलब फर्स्टली कौन से चैप्टर कर सकते हो, सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊंगा कि आपको अपना वैदिक मैथ ही अच्छा करना चाहिए। तो वैदिक मैथ पर अपनी एबिलिटी इतनी अच्छी कर लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो, कि आपको मल्टीप्लाई, डिविज़न और ये सब ना करना पड़े। और इसके लिए आप हमारी सुपर स्लीपी क्लासेस में मैथ की फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से सबने एलिब्रेट किया है कि कैसे आप वैदिक मैथ और कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, क्या आपकी अप्रोच एग्जैक्टली में होनी चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर करने के बाद आपके पास जो अप्रोच बन जाती है, फिर सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद जो आपके पास चैप्टर करना चाहिए आपको, रेशो, प्रोपोर्शन, इन चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया। ये चैप्टर बेसिकली क्या है, बेस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है टायर टू में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको ये वाले चैप्टर से गो थ्रू होना पड़ेगा, रेशो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और साथ साथ आपको परसेंटेज, ठीक है। और ये आपको, ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, इन ये तो आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि होने चाहिए, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक को क्लियर करने के लिए आपके पास एक बुक, जो एक होता है ना कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जिसमें हम पढ़ें और हमारा बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको एक बुक ले लेनी चाहिए अर्थमेटिक एबिलिटी की। अगर आप बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो अपना SSC की प्रिपरेशन, तो वो बुक है किरण की, लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं किरण की बुक में, बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैनेज कर रखा है बुक में। तो बेस आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ बेस की। अब देखो, SSC क्या था कि SSC में वो घिसा पिटा बिल्कुल सिलेबस आई जा रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, हड़प्पा संस्कृति का सिलेबस फॉलो कर रहे थे लोग SSC में, और बच्चे बस उसी को ही पढ़ते रहते थे और जॉब ले लेते थे। लेकिन पिछली बार SSC ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया,
और पिछली बार मेंस का आपने देखा ही होगा जो पैटर्न रहा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा। तो मेरा मानना ये है कि एसएससी का पेपर क्लियर करने के लिए अब आपको यहाँ पर कैट के लेवल की बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा साथ साथ। तो बेस क्लियर करिए अपना किरण की बुक से, ठीक है? उसके बाद आप कोई भी कैट की बुक फॉलो कर सकते हो, क्वांटम कैट है या अरुण शर्मा, कोई भी आप कैट की बुक फॉलो करो और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपका बेस क्लियर होगा। गॉट इट? तो ये था आपका अर्थमेटिक एबिलिटी, और अर्थमेटिक एबिलिटी जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इसको आपको कब उठाना चाहिए, मतलब मैथ को आपको कब उठाना चाहिए, ये हम बात करेंगे जब हम मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स करवाने के बाद एक स्मार्टली अप्रोच बताऊंगा कि एसएससी पेपर क्लियर करने के लिए आपकी एग्जैक्टली स्मार्टली अप्रोच होनी क्या चाहिए, आपको कितना टाइम इसमें देना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जनरल नॉलेज। स्टैटिक जनरल नॉलेज ही हमारी बहुत वीक होती है, हमें यही नहीं पता कि इंडिया में स्टेट्स में कौन कौन सी जगह कहाँ पे हैं। जैसे मैं बात करूँ वुलर लेक कहाँ पे है या डल लेक कहाँ पे है, ये आपको पता ही नहीं होता, या मैं अगर किसी भी स्टेट का आपसे सीएम पूछूँ नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी स्टैटिक जनरल नॉलेज ही इतनी वीक है। तो सबसे पहले तो अपने इंडिया की नॉलेज ग्रैप कीजिए, देन फिर सब्जेक्ट्स पे आइए, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, और थोड़े बहुत करंट अफेयर से भी गो थ्रू रहिए। करंट अफेयर से गो थ्रू कैसे रहिए मैं आपको बताता हूँ अभी। और स्पोर्ट्स की नॉलेज रखिए, स्पोर्ट्स तो आप लोगों का वैसे बॉयज़ का बेसिकली इंटरेस्ट ही स्पोर्ट्स में होता है। और बुक्स एंड ऑथर, ये बुक्स एंड ऑथर क्या है आपको पता होना चाहिए कि जैसे महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, और करंट जो बुक्स आती रहती हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो स्टैट बुक्स ऑथर तो आप पढ़ोगे, जो हिस्ट्री में कुछ एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आएंगी उन उनकी बुक्स, और जो करंट अफेयर्स की जो बुक्स होंगी वो आपको करंट अफेयर के साथ साथ डिस्कस होती रहेंगी। अब करंट अफेयर पढ़ने के लिए बेस्ट वे मैं आपको बताता हूँ, देखो कोई भी पेपर क्लियर करना हो, चाहे एसएससी का करना हो चाहे बैंक का करना हो, एक चीज तो मान के चलो आपको द हिंदू फॉलो करना होगा, ठीक है? अगर आपसे द हिंदू नहीं पढ़ा जाता नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। बेटर ये है कि आपकी कंप्रिहेंसिव क्लियर हो जाता है, वहाँ से आपको पता लग जाता है कि तो रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, सेकेंडली वोकेबलरी इंक्रीज हो जाती है हमारी, एंड सबसे बड़ी बात हमें ना इंग्लिश में जो डर होता है वो दूर हो जाता है। और एसएससी में इंग्लिश की उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मैथ की है, क्योंकि टायर टू में मैथ और इंग्लिश ही आपका पेपर क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है? तो ये तो आप मानकर चलो कि इंग्लिश के लिए आपको बहुत ही बढ़िया वाली तैयारी करनी होगी, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंगली तो द हिंदू को ही पकड़ो, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक एप्लीकेशन है जो जिसमें सभी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आते हैं, ऑल एडिटोरियल्स करके प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में से देख सकते हो कि किसकी आसान लैंग्वेज है, उसको स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है? फिर धीरे धीरे जब आपका बेस बन जाएगा तब आप द हिंदू में शिफ्ट हो जाना, ठीक है? तो बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो मेरी अप्रोच रहेगी जनरल अवेयरनेस की, जैसे कि आप वीडियोस में देख ही रहे हो, स्टैटिक जनरल नॉलेज मैं ऑलरेडी कवर कर ही रहा हूँ। ज्योग्राफी में मैंने कुछ स्टेट्स डिस्कस करे, कुछ स्टेट्स हिस्ट्री में डिस्कस होंगे, और उसके बाद जैसे साइंस, फिजिक केमिस्ट्री, बायो, ये फिजिक केमिस्ट्री बायो को काफ़ी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो वेटेज है साइंस का वो बहुत ज़्यादा रहता है आपके पेपर में। और इकोनॉमिक्स में आपको बेस नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई, सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई से पहले आपको आरबीआई की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक, नबार्ड, उसके बाद डिमांड सप्लाई हो गया, मार्केट हो गया, ये सब प्रॉपर नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए। पॉलिटी, हमारा संविधान, ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर सभी की सभी चीज़ें कवर करेंगे। देखो बेसिकली आपको कोई भी बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, वो मोर देन इनफ है, और उनको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फाइल में अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सुपर स्लीपी क्लासेस, वहाँ पर जाइए और डाउनलोड कीजिए और आराम से प्रिंट आउट निकालिए और पढ़िए, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस की तो आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं आपको बुक रिकमेंड करूँ तो मैं आपको ऑप्शनल, मतलब जो चार ऑप्शन वाली बुक होती है वही रिकमेंड करूँगा यहाँ पर। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी वही बुक है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी वही बुक है।
एक घटना चक्र बुक आती है, ठीक है, घटना चक्र मैं यहां पर लिख देता हूं, घटना चक्र हिंदी में जो अवेलेबल है वो तो एक ज्वाइंटली बुक अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं अगर उनको घटना चक्र लेनी है तो उनको सेपरेटली लेनी होगी, जैसे पॉलिटी की अलग से बुकलेट है, हिस्ट्री की अलग से है, ये सारी की सारी जो बुक्स हैं वो अपनी दुकान मतलब बोले तो अमेजोन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो बेटर वे है कि जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव नॉलेज आप साथ साथ इन बुक से कवर करते चलिए, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी डालूंगा मैं, ठीक है, 500 500 500 मतलब 4 5 500 की मैं PDF डालूंगा ग्रुप में, लेकिन फिर भी आपके पास अगर आप लेना चाहते हो एक्स्ट्रा के लिए तो यही बुक लीजिए, बाकी कोई बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट में चलते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है SSC में और ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें बैंकिंग में। बैंकिंग में जो आज की डेट में रीजनिंग आती है वो कैट लेवल की हो चुकी है, ठीक है, आप लोग देखते ही होंगे पज़ल बहुत बड़ी बड़ी आने लग गई हैं और सेलोगिज्म के भी पैटर्न चेंज कर दिया है, हर चीज़ का पैटर्न धीरे धीरे जो बैंकिंग है वो चेंज कर रहा है, लेकिन जो रीजनिंग SSC में है वो बहुत स्कोरिंग है, और इसके लिए मैं तो कहूँगा कि आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं है रीजनिंग के लिए, ठीक है, इसके लिए सिर्फ आप जो प्रैक्टिस पेपर ले रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन उसमें ही जो क्वेश्चंस आते हैं बस वही कवर कर लीजिए, मोर देन इनफ है, इसके लिए कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, या आप कोई भी ऑनलाइन साइट्स पर जाकर या फिर हमारे जो PDF अवेलेबल होंगी टेलीग्राम ग्रुप पर वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मोर देन इनफ है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश का। अब यहाँ पर इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से आपने कवर करना है क्योंकि इंग्लिश ही एक आपका ऐसा है जो आपको पेपर क्लियर करवाएगा, इंग्लिश और मैथ। तो इंग्लिश जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं वो तो बेसिकली चाहे ग्रामर को अच्छे से करें चाहे ना करें उनका काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो SSC है उसको यहाँ पर ग्रामर बहुत अच्छे से समझनी होगी, जैसे कि नाउन पर नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, फिर आपका टेंस वाला चैप्टर आ जाता है, फिर एक्टिव पैसिव सिर्फ और सिर्फ SSC पूछता है क्वेश्चन आपसे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये भी SSC ही पूछते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, क्वेश्चन टैग, फिल्म द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, और एरर डिटेक्शन क्या है ये सब जो आप ग्रामर पढ़ोगे इसी के बेस पे आपसे एरर पूछ लेगा वो, ठीक है, रीडिंग कम्प्रिहेंसिव आपका जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे, आर्टिकल्स पढ़ने लग जाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी रीडिंग पैसेज कम्प्रिहेंसिव की। तो ये बेसिकली जो सारा का सारा खेल है वो आपकी डिपेंड करता है कि आप कितना स्मार्टली वे में न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंग्लिश की दो बुक्स आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुत हैं दो बुक्स और उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी। एक बुक का नाम है SP बख्शी, यहाँ पर SP बख्शी की बुक लेनी है आपने, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट जो SP बख्शी में जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का या हर चीज़ का, वो कैब सब कुछ अच्छी है SP बख्शी की, तो यहाँ पर आप SP बख्शी को फॉलो कर सकते हो। सेकेंडली जो बुक है प्रैक्टिस के लिए, AK सिंह की आती है MB पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, MB पब्लिकेशन ये बुक आती है स्पेशल फॉर SSC और बैंक की अलग से आती है, SSC के लिए आती है, आजकल जो अवेलेबल है अमेजोन पे वो उसमें आई थिंक 150 प्लस सेट्स हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं वो पूरा कंपाइल्ड कर रखा है इस बुक में और काफ़ी अच्छे से इस बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, थोड़ी बहुत एरर है उसको आप इग्नोर कर सकते हो लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, सीरियसली मैं रिकमेंड करूँगा इन दो बुक्स को। अगर आप ज़्यादा अच्छा मतलब अपने आप को ग्रामर में स्कोर और जो एरर डिटेक्शन में अच्छा अपने आप को करना चाहते हो तो AK सिंह की ही बुक आती है मिरर टू कॉमन एरर, बहुत ही ब्रिलियंट बुक है, उसको बहुत अच्छे से कंपाइल्ड कर रखा है इन्होंने, वो भी आप परचेज कर सकते हो, मतलब अगर आप दो बुक लोगे तो आपका काम चल जाएगा, अगर आप तीसरी भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बुक्स बता दी, आपको सिलेबस एक बार सिलेबस के गो थ्रू करवा दिया, अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्टली अप्रोच हमारी होनी क्या चाहिए। देखो सबसे पहले अगर हम किसी भी पेपर की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सेल्फ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं हमारी अप्रोच क्या है और हमारी सोच क्या है। तैयारी दुनिया कर रही है, हर साल 40 से 50 लाख बच्चे पेपर फिल करते हैं, मतलब जो ऑनलाइन जो आपका पेपर निकलता है तो SSC में 40-50 लाख पेपर फिल हो जाते हैं,
कि भाई हम पेपर देंगे हम पेपर देंगे, लेकिन आपको पता है जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और एसएससी में जॉब्स कितनी है, हार्डली 10,000, इस साल तो 8,000 समथिंग है। तो आप खुद सोचो कि 40-50 लाख बच्चों में से वो बच्चे जॉब ले रहे हैं जो सीरियस है, गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपना ये देखना है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर आप वाकई में अपना इंटरेस्ट जगाते हो और अपना आपको लगता है कि हाँ हम जॉब लेना चाहते हैं, तो टूट पड़ो मैदान में, ठीक है। आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, कोई अन्य आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर मैं 4-5 बातें आपको बोलकर मोटिवेट करूं, या फिर आपको मैं बोलूं नेपोलियन का जो वर्ड था इम्पॉसिबल, उससे आप मोटिवेट हो जाओ, या फिर आप किसी अन्य यूट्यूब मोटिवेटर से आप मोटिवेट हो जाओ, वो जो मोटिवेशन होता है ना वो सिर्फ 10-15 मिनट का है, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम मोटिवेट हो गए, आज हम सारी की सारी किताबें फाड़ देंगे, आज बस भाई पड़ेगा, ठीक है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। लेकिन एग्जैक्टली जो ये फीलिंग है ये कुछ समय के लिए होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, हम लोग जिम जाते हैं, है ना। जिम जाने के लिए हम क्या करते हैं, कानों में लीड लगाते हैं और फास्ट ट्रैक लगा लेते हैं जिसमें हमें गुस्सा आए और हम डंबल उठा सकें, और घर में हमारे से एक बाल्टी तक नहीं उठती, है ना। तो एग्जैक्टली वही एक मोटिवेशन होता है जो आप लोग इधर उधर से ग्रैप करते हो। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट की बात नहीं करोगे, मतलब आपके अंदर खुद से आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक आप कोई भी पेपर क्रैक नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जब ये चीज़ हो जाए तो आप जानो कि यार लास्ट ईयर में एसएससी में ऐसा क्या आया जो मैं लास्ट ईयर से नॉलेज ग्रैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अरिहंत, किरण, ये कंपाइल्ड करके एक मतलब प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज बना देते हैं, तो इनको पहले लेना स्टार्ट करिए। उसके बाद देखो कि पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट होना चाहिए, मतलब विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट। मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको जनरली पहले जनरल अवेयरनेस कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत स्कोरिंग है, और बहुत अच्छे से कंपाइल्ड कर रखा है मैंने इसको, और पीडीएफ में प्रॉपर नोट्स हैं कि आपका कहीं से भी बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, आई एम डैम श्योर। उसके बाद आप जैसे आपका इंटरेस्ट है वैसे उस तरह से आप फॉलोअप कर सकते हो। जैसे किसी का मैथ में इंटरेस्ट है, या किसी का रीजनिंग में, या किसी का इंग्लिश में, तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जनरल अवेयरनेस को आप स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमें क्वेश्चन याद रहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आपको जो पेपर के टाइम में ना, मतलब एक चीज़ होता है टाइमर, है ना, तो टाइमर मस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि टाइमर हमें मतलब बताता रहता है कि हम कहाँ पर कितने क्वेश्चन पर कितना टाइम लगा रहे हैं, गॉट इट। तो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो आपको इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना इस तरह से शेड्यूल बनाओ, किसी का शेड्यूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल बनाओ। आप 4 घंटे दे सकते हो, 6 घंटे दे सकते हो, 8 घंटे दे सकते हो, 10 घंटे दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपने आपका टाइम मैनेज करो, ठीक है। और हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट दो, और टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमने गलती कहाँ करी, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल 0 से हैं तो टेस्ट दे दीजिए, आपके आएंगे नंबर 4, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी किस्मत तो सबकी होती है कि 4 नंबर तो कोई भी ले लेगा। उसके बाद आप दूसरा टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, कुछ करके करोगे तो आपके नंबर आएंगे 10, फिर ऐसे ऐसे कुछ करके करोगे तो आएंगे 20, 30, 40, फिर एक टाइम आएगा कि आपकी जो मतलब आप उसी नंबर पे स्टक हो जाओगे। जैसे 50 आया, 50 पे आप स्टक हो गए, कुछ दिन तक आप 50-50 तक झूलते रहोगे, फिर आप पुशअप करोगे, अपने आप को मेहनत करोगे, फिर उससे आप एकदम ही हाई लेवल पे पीक करोगे, 70-80 पे जाओगे, फिर वहाँ आप स्टक हो जाओगे। धीरे धीरे ऐसे ये उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपको जो टेस्ट दे है ना वो स्टार्टिंग से ही देना है। ऐसा नहीं सोचना कि पहले मेरा सिलेबस होगा तब मैं टेस्ट दूंगा या दूंगी, वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो टेस्ट तो आपने पहले दिन से ही देने, अगर आपको कॉम्पिटिटिव लाइन में तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ये मत सोचो कि हम कितना अपना टाइम दे सकते हैं, हमारा टाइम हम कम दे रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं या हम जॉब नहीं कर रहे हैं, हमारे को 1 साल हो गया, हमारे को 2 साल हो गया, हमारे दोस्त वो 6 महीने में जॉब ले गया। देखो सबका दिमाग एक जैसा है, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ जो पेपर है ना वो आपने क्लियर करना है। कमियां हमारे अंदर होती हैं, दूसरों के अंदर कमियां नहीं होती, ठीक है। हम कह देते हैं कि यार हमारी जॉब लगनी थी, बस हम 4 नंबर से रह गए, यार हमारा इस टाइम मैथ अच्छा होना चाहिए था, मैथ अच्छा नहीं हुआ। सबसे पहले तो अपना जो इंट्रेक्शन है वो दूर करो, ठीक है। इंट्रेक्शन समझ गए तुम मेरी बात को, जो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, है ना,
ये उम्र ही ऐसी है इंट्रैक्शन वाली, तो सबसे पहले तो उससे अपने आप को दूर रखो और फिर अपने जॉब के ऊपर भागो और जॉब ग्रैब करो, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जो पर्सन है ना वो दूसरों के लिए जीते नहीं, आपने दूसरों के लिए तो जीना है, अच्छी अच्छे काम करते रहना है, लेकिन यहाँ पर अच्छे काम कब होंगे, जब आपकी जेब में रोकड़ा होगा, पैसा होगा, गॉट इट। तो पहले तो जॉब ग्रैब कर लो, उसके बाद जो मन चाहे वो करना, ठीक है। तो पहले अपने लिए एक प्रॉपर डेडिकेशन वाला मोमेंट लेकर आओ, ठीक है। सेकेंडली शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल किस हिसाब से बनाना है वो देखो कि आप अपने टाइम मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका ज़्यादा कमज़ोर है, पता लगे आपका जीके में ज़्यादा इंटरेस्ट है आप जीके ही पढ़ी जा रहे हो, मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ ही करी जा रहे हो, रीजनिंग में इंटरेस्ट है रीजनिंग ही करी जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना है यहाँ पर, ठीक है। तो होप सो आपको ये कंटेंट काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और मेरी बातें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और सभी की सभी PDF हमारी साइट हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है सुपर स्लीपी क्लासेस, और वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।